इस बजट में हम एक बहुत बड़ी इंशाल्लाह स्कीम्स ला रहे हैं, खसूसी तौर पे सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल की मशीनरी के लिए। हम चाहते हैं कि तमाम TMAs को हम वो मशीनरी सप्लाई करें। 52 TMAs के इंशाल्लाह जून 30 तक जितने भी अकाउंट्स हैं वो डिजिटलाइज हो जाएंगे। TMAs की हम एक नई लीज पॉलिसी और रेंटल पॉलिसी भी इंशाल्लाह ई ऑक्शन हुआ करेगी, चाहे रेंटल हो चाहे लीज हो, उसके तहत तमाम प्रॉपर्टीज हम ऑक्शन करेंगे, ताकि सूबे के अंदर जो वज़ीर-ए-आज़म साहब का कंस्ट्रक्शन का प्रोग्राम है वो भी मज़ीद तेज़ हो, इन इदारों को ख़ुद मुख्तियार बनाए, ताकि इनको हर वक्त सूबों से ना मांगना पड़े। जो लोकल एरिया अथॉरिटीज़ हैं उनको भी, उनका एक नया बोर्ड बन गया, उस पिछले 15-20 साल से वो डॉर्मेंट पड़ी हुई हैं, उनमें कोई काम नहीं हो रहा है। उनको नई हमने हदायत दे दी हैं, बल्कि मेरी हदायत हर लोकल एरिया अथॉरिटी को ये है कि आप महीने के अंदर अंदर एक नया प्रोजेक्ट हाउसिंग कॉलोनी का आप बोर्ड के सामने लाएं, हम आपको अप्रूवल्स देंगे। इसी तरह मेरी कोशिश ये है कि हर ज़िले में, हर शहर में दो बड़े पार्क्स बनाए जाएं। इस तरह पेशावर के हवाले से मैं आपको बताऊंगा कि हमारा इरादा ये है इंशाल्लाह कि अगले 2 साल के अंदर हम 100 अरब रुपया पेशावर के अंदर लगाएं। जिस तरह नया बस टर्मिनल हमारा बन रहा है इंशाल्लाह उसका काम बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। मिसिंग लिंक जो हमारा है रिंग रोड का, वो तकरीबन 16-17 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है, उसके ऊपर इंशाल्लाह ताला काम बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। ज़कूरी जो ओवरहेड ब्रिज है उधर हम क्लोवर रीफ 5 अरब रुपए का इंटरचेंज बनाने जा रहे हैं। इसी तरह पेशावर में ग्रीनरी और ब्यूटिफिकेशन के ऊपर हम बिलियंस ऑफ रुपीज़ अभी खर्च करेंगे। दोनों रिंग रोड्स को हम मज़ीद इंशाल्लाह ताला खूबसूरत करने जा रहे हैं। और जो सबसे बड़ा काम है इंशाल्लाह ताला महकमा बल्दियात का, हमारी तैयारी सारी हो गई है। 8 जुलाई को हमारी तमाम डिलिमिटेशंस मुकम्मल हो जाएंगी। हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। डेवोल्यूशन का, एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का और वज़ीर-ए-आला महमूद खान का जो एक वादा है उसको हम इंशाल्लाह मुकम्मल करेंगे, ताकि दहलीज के ऊपर लोगों के मसाइल